हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो गाइस, आज 16 तारीख है, तो मैं जा रहा हूँ आज घर। तो मैंने लीव ले लिया हूँ, 3-4-5 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं फिलहाल बैग करके रेडी करके रख दिया हूँ, ताकि आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा मेरा बैग, मैं बैग पैक कर दिया हूँ और मुझे निकलना है। तो दोस्तों, मैं निकल गया हूँ घर से, रूम से। तो अभी मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ऑटो लेके यहाँ से बस स्टैंड तक जाना है मुझे। तो देखता हूँ कितने देर में मुझे ऑटो मिलता है। फाइनली तो मेरे को ऑटो मिल गया, तो जा रहा हूँ बस स्टैंड पर। तो फाइनली गाइस, मैं बस के पास आ गया हूँ। यही बस है हमारे पीछे, देख रहे होंगे। तो गाइस, ये बस से जाना है। गाइस, अंदर चलता हूँ। हाँ, डियर कर दीजिए। अरे भाई, उन्हें अभी मशीन उठाइए। अरे भाई, फाइनली हमने टिकट ले लिया। अब मैं अपनी सीट पे आ जा रहा हूँ। मुझे मिला है 24 नंबर वाली सीट। दिखाता हूँ आपको सीट। तो ये रहा 24 नंबर सीट। भाड़ा 300 रुपये लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी 1:30 बजने वाले हैं, तो यहाँ से गाड़ी अभी मिलेगी बहादुरगंज, फिर उसके बाद सिलीगुड़ी तक। मैं लास्ट स्टॉप इसलिए इसका सिलीगुड़ी है। तो यहाँ से पर डे 1:30 बजे जाता है ये बस, फिर जाना है। रेगुलर ये बस चलती है यहाँ से, और उधर से सुबह मॉर्निंग में चलती है 5:30 बजे। उधर से यही बस आती है, तो ये रिटर्न अभी 1:30 बजे करीब आपका इधर से, ये इसमें यहाँ से खुलती है। जिस तरह से दिखता है बहुत ही अच्छा है। पैसेंजर का ख्याल रखा है, सीट इस तरह का है। तो आपको ये सीट जो दिख रही है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, आगे पीछे भी होती है, लग्जरी टाइप का सीट बना रखा है इसे भी। दोस्तों, यहाँ से रेगुलर बस चलती है पटना, बिहार के हर एक कोने में जाती है जैसे बस। तो रेगुलर इधर ही आना जाना अगर बस का चलता है, पर बगल में है फारबिसगंज स्टेशन है इधर पे, तो इधर से भी लोकल बस चलती है, क्या बोलते हैं, लोकल ट्रेन चलती है। तो एक तो लोकल ट्रेन रेगुलर इधर से आना जाना होती है। देखिए, ये सब बस लगा हुआ है, सब पूर्णिया है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, सब बस इधर से चलती है। पटना उटना और भागलपुर की एरिया सारा है, सब जगह। तो ये बस निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये है टोल प्लाजा। तो ये था गड़िया टोल प्लाजा। ऑलमोस्ट रोड टूट रहा था, काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्रेन लगा हुआ है, क्रावलर क्रेन। फ्रेंड्स, वीडियो जरा ही हिल रहा है। तो इस तरह से अभी गटर का काम होगा इधर पे, पाइलिंग इधर चल रहा है।
फिलहाल मेरे हिसाब से लग रहा है कि रोड का सारा काम कंप्लीट कर दिया है, जैसा मैं देख रहा हूँ। सिर्फ अब ये ब्रिज ओवर ब्रिज का काम ही चल रहा है, तो गटर उटर का काम बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग बहादुरगंज में आए हुए हैं। अब यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए 5 मिनट के लिए गाड़ी रुका है, तो मैं भी उतरा हूँ, थोड़ा चिप्स उप्स पानी भी ले लेता हूँ, थोड़ा मैं भी नाश्ता कर लेता हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रोड का काम, ब्रिज फ्लाईओवर का काम किस तरह चल रहा है। यहाँ पे चौराहा हुआ करता था, बहादुरगंज ये जगह कहलाता है। तो 2 महीना पहले ये नहीं था, अभी 2 महीने के बाद आ रहा हूँ इधर से, तो मैं देख रहा हूँ कि ये सारा पाइलिंग वाइलिंग हो गया, अब गटर का काम बाकी है इधर। हमने खाने के लिए लिया था चिप्स 10 रुपये का और पानी का बोतल। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली अभी बागडोगरा पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से मुझे अपना घर जाने में 30 मिनट लगे, तो अभी जाम उम का भी समस्या है, तो घंटा भी लग सकता है, तो देखा जाए कितना टाइम लगता है। अभी तो बागडोगरा में हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, ये होटल मिथुन चक्रवर्ती का है। तो अभी ये बस पेट्रोल पंप में घुसा दिया है, इधर पे अभी शायद डीजल लेगा। डीजल लेने के बाद तो यहाँ शायद 10 मिनट टू टाइम लगेगा। ये भी बहुत लेट होने वाला है मुझे घर पहुँचने में। तो जिस रास्ते से हम लोग अक्सर जाया करता था, तो वो रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, ब्रिज। तो ये दूसरा रास्ता होके नौका घाट बोल के रास्ता है, तो उस साइड से हम लोगों को जाना पड़ेगा, बस उस साइड से जाएगा अभी। तो अभी पेट्रोल पंप पे डीजल लिया जा रहा है, ये इस तरह से है। तो जब भी आता हूँ तो ये बस इधर ही से सबसे पहले डीजल लेता है, उसके बाद जाता है सुबह का कोटा फुल कर लेता है। तो अभी डीजल ले लिया गया है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखता हूँ कितना देर में यहाँ से सिलीगुड़ी को पहुँच जाता है, और मैं कितने बजे तक घर पहुँच सकता हूँ। अभी तो 7:30 हो गया है। अपना घर जाने का खुशी ही कुछ अलग होता है। तो अभी शाम हो गया है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि आज घर जा रहा हूँ। ज़्यादा 4 दिन के लिए बस बहुत ज़्यादा। मैं घर जा रहा हूँ, घर पे किसी को फ़ोन करके किसी ने बताया कि मैं घर आ रहा हूँ, क्या जो सरप्राइज लगेगा सबको कि अचानक से मैं घर पे पहुँच गया हूँ। देखा जाएगा रिएक्शन कैसा है लोगों का। तो रिएक्शन देखने का चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं भूखा रह जाऊँ, तो मुझे लगता है कि फ़ोन करके घर पे बोल देना चाहिए कि मैं आ रहा हूँ, नहीं तो खाना बन के रेडी हो जाएगा। घर पहुँचते अब कितना बजे पहुँचूँगा, क्या ट्रैफिक है आगे पता नहीं। तो धीरे धीरे सारा पैसेंजर उतरते जा रहे हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं। तो और मुझे 5 मिनट लगे उधर, 7 चल रहा है। तो और मुझे यहाँ से 5 मिनट मिनिमम लगेगा पहुँचने में बस स्टॉप पे। तो शायद आगे जाम लगा हुआ है, रास्ता थोड़ा छोटा है क्योंकि इधर भी फ्लाई ओवर का काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा स्लो है इधर पे गाड़ी। विशाल मेगा मार्ट, बस अब पहुँचने वाला हूँ, मुझे रेडी हो जाना चाहिए। तो मैं रेडी हो गया हूँ, सारा सीट खाली हो गया है, चारों तरफ देख रहे होंगे आप लोग। तो बस और थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, ये ट्रैफिक खुलेगा, बस मुझे आगे जाके उतरना पड़ेगा।
उसके बाद वहाँ से फिर मुझे ऑटो लेना है। ज़्यादातर तो मैं वहाँ से ऑटो लेने के बाद 3 से 4 किलोमीटर में लगना पड़ता है। तो ये है फ्लाई ओवर, इधर से चढ़ेगा, ये फ्लाई ओवर जैसे क्रॉस करूँगा उसके बाद मुझे उतरना है। तो अब मैं रेडी हो गया हूँ सभी के लिए। तो गाइस तो मैं उतर गया हूँ और चलता हूँ, इधर से ऑटो लेता हूँ आगे चल के। तो मुझे अभी रास्ता क्रॉस करना है, बस चला गया। तो मैं रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ। कुछ खास ठंडा है नहीं, तो मैं एक पतला सा गंजी पहन रखा हूँ। अगर अंदर में बस वेस्ट है तो बस इतना सबको देख रहा हूँ, इस गंजी पे घूम रहा है। तो ये रेस्टोरेंट आप देख रहे होंगे, जायका, यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है जायका बिरयानी हाउस। तो मैंने घर पे खाना के लिए फ़ोन करके भी नहीं बोला, देखता हूँ क्या होगा। तो मैं आ गया हूँ अभी सेबुक मोड़ में। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक खुला हुआ है, फिर भी क्रॉस कर दे रहा हूँ जैसा क्रॉसिंग के ऊपर से। तो इस तरह ट्रैफिक लगा हुआ है, तो मुझे जाना है आगे। जा सकता हूँ ऑटो पे, ऑटो मिलता तो आपको व्यू दिखाता हूँ उधर का। तो आगे में ऑटो लगा हुआ है, पैसेंजर उठा रहा है, तो मैं भी जाकर बैठ जाता हूँ। तो जाना है उस ऑटो से। फाइनली मैं अपना घर पहुँच गया, अब यहाँ से थोड़ा दूर जाना है। तो मैं अभी उतर के दुकान से 2 किटकैट लिया हूँ। ये अनस के लिए, मेरा भतीजा है, और ये रहा इस्कॉन मंदिर। स्कूल सिलगुडी मॉन्टफिल स्कूल। तो ये है मेरा घर, ये है नहीं दुकान में कोई, मैं घर पहुँच गया हूँ। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है। फ्रेंड्स अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। चाहे जिंदगी है।